10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बिल्कुल देखिए, और ये लॉन्च हो चुका है और मैं ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वैज्ञानिकों की सफलता की मुझे बहुत खुशी है और बस अब दुआ यही है कि ये L1 पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंचे। ये वो PSLV XL रॉकेट जो इस समय श्रीहरिकोटा से उड़ान भर चुका है, आग का पूरा एक गोला बाहर निकलता हुआ। सचिन जी देख पा रहे थे, मैं हैरान हूं क्या खूबसूरत फोटोग्राफ्स आपने दिखाई जब रॉकेट ऊपर जा रहा था। अब तो सोनिक बूम खत्म हो गया, लेकिन आप सोनिक बूम देख सकते थे। और देखिए ये पहले चार जो हैं वो छूट गए, केवल 2-4 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा फोर्स ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम वो मैप देख पाए, आपको याद हो चंद्रयान के समय इसका जो फ्लाइट मैप था वो हमारे को इसरो दिखा रहा था, अभी शायद लाइव में भी मैप से कंपैरिजन नहीं करा रहे हैं, वो मैप देख पाए तो हमें और ज्यादा गणना हो पाएगी कि कितना बढ़िया जा रहे हैं। फ्लाइट बिल्कुल ठीक लगती है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आग का गोला जो है वो आगे बढ़ रहा है। रॉकेट तो हमें दिख ही नहीं रहा है, धुएं का गुमान और आग का गोला अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ता हुआ। और ये तमाम उन वैज्ञानिकों की सफलता की तस्वीर है जो रात दिन की मेहनत, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, उन्होंने की है। और सोमनाथ जी के चेहरे पर अभी भी तनाव दिख रहा है। ये तनाव क्यों है, अब तो लॉन्च हो चुका है जी, अभी उसके स्पेसिफिकेशन आने, टेलीमेट्री आनी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसका मूवमेंट ठीक है कि नहीं है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई खबर हमारे को नहीं आ रही है, मुझे टेलीमेट्री भी नहीं दिख रही है। तो जब तक टेलीमेट्री नहीं आ जाती हमें दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सब स्पेसिफिकेशंस ठीक लग रहे हैं, तो तनाव तब तक रहेगा जब तक सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो हैं, जो एकदम से झटका मारते हैं, उनके कंट्रोल से जब तक हम सेंट्रल विकास इंजन तक नहीं आ जाते तब तक हमारे को घबराहट रहती है। और देखिए ये पहले देखिए छोटी सी फायर आपको, छोटी सी, और फिर उसके बाद आग का एक गुबार। मुझे लगता है त्यागी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ इसरो में जितने वैज्ञानिक उत्साहित है उससे ज्यादा यहाँ मेरे साथ जो वैज्ञानिक मौजूद है और ज्योतिष भी जो मेरे साथ मौजूद है वो बहुत उत्साहित है इन तस्वीरों को देख कर। और बहुत बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, सफलता की ये तस्वीरें। प्रणय उपाध्याय ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। प्रणय उपाध्याय से हमारा संपर्क ही नहीं हो पा रहा है और नेटवर्क की बेहद वहां पर दिक्कत है, लेकिन ये तस्वीरों को आप देखिए। सचिन भामा जी, जैसा कि मैं कह रही थी अपने दर्शकों से, आग का एक गोला और धुएं का गुबार ये दिखाई दे रहा है। लगभग कितने मिनट, कितने सेकंड बाद आपको लग रहा है कि वो हमें, जो आप टेक्निकल नाम ले रहे हैं वो सब हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये ठीक ठाक आगे बढ़ गया है? देखिए 5.5 मिनट के बाद हमारा सेकंड जो फेज है वो ऑन हो जाएगा और हमारे को 5.5 मिनट तक की ही दिक्कत रहती है, क्योंकि सडनली एकदम से इतने फोर्स के साथ रॉकेट उठता है कि वो कंट्रोल में रहे, वो मैनेज रहे, अपनी ट्रैजेक्टरी ले ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी हम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है, हम ऑलरेडी 170 सेकंड पे जा चुके हैं, यानी 3 मिनट से ऊपर का समय क्रॉस हो गया है। तो 5 मिनट तक के समय के लिए वेट करेंगे जब हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारे SRBs अलग से हट के हमारे सागर में, हिंद महासागर में गिर गए हैं। और सेंट्रल ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, क्या ये वो ट्रेजेक्टरी समझाने की कोशिश की जा रही है? इसी ग्राफ की हम वेट कर रहे थे कि हमारा जो रॉकेट है वो बिल्कुल ग्राफ के हिसाब से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे ग्राफ की तरफ जो है वो बिहेवियर आ रहा है। मैं स्टूडियो में भी ग्राफ देख नहीं पा रहा, सो वो बीच बीच में इसरो की तरफ से ही वो तस्वीरें जारी हो रही हैं। और इस समय ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये देखिए जो फर्स्ट स्टेज जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि दो जो छोटे, क्या बोलेंगे इनको, जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो है उनको अलग कर दिया गया। अब आप ये ग्राफ देख के मुझे समझाइए, और मैं चाहती हूँ कि फुल स्क्रीन ये ग्राफ जरा दिखा दिया जाए हमारे दर्शकों को। ये देखिए जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि ग्राफ को जैसा एक्सपेक्टेड था उसी बिहेवियर की तरफ हमारा रॉकेट बिहेव कर रहा है। और जैसा समय मुझे दिख रहा है तो करीब 4-4.5 मिनट हो चुके हैं, तो केवल थोड़ा सा ही समय रह रहा है जहां पे हमारी जो फर्स्ट फेज है वो खत्म हो जाएगा, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। और आप बता रहे कि फर्स्ट फेज 5.5 मिनट का लगभग होगा, सेकंड फेज कितने मिनट का होगा? जी ये टोटल जब हम उस पे उतारेंगे तो 1 घंटा 3 मिनट, तो मेजर जो काम होना है वो 16 मिनट, यानी 16 से 18 मिनट में हमारे सारे रॉकेट जो है वो ऑन होकर के टेस्ट हो जाएंगे। और फाइनली उसको आदित्य को जो अपने साथ लेकर के चलेगा। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी, मेरे लिए तो मुझे लगा कि भाई ये अब उड़ गया है तो अब ये सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा। अब आपने 16 मिनट का देखिए मुझे समय दे दिया है। हाँ नहीं शोभना जी देखिए, एक तो बड़ा मजा क्या आ रहा है देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत रॉकेट कवरेज किए, मैं जानती हूँ कि समय लगता है और लगभग 1 घंटा, लेकिन मेरे कुछ दर्शक ऐसे भी हैं यहाँ पे, ये भी समझना होगा कि भाई एक
देखिए सेकंड फेज सफल हो चुका है, ये जानकारी इसरो से बड़ी जानकारी शेयर कर दी गई है। सेकंड फेज सक्सेसफुल हो गया है। यहां पर कुछ ऐसे दर्शक भी हैं सचिन जी जो इस विज्ञान को उस तरीके से नहीं समझते, उनके लिए इस मिशन की सफलता, इस रॉकेट का ये आग का गोला आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि लगभग 16 से 17 मिनट का जो वक्त है वो वैज्ञानिक हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद स्थिति हमें साफ हो पाएगी। त्यागी जी बिल्कुल, क्योंकि ये जैसे कि ये 4 स्टेज रॉकेट वो है, लॉन्चर है, जिसमें हम PSLV जो है, और इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और फिर इसको पृथ्वी की एक कक्षा में स्थापित करना है हमारे को, आदित्य को। हाँ। तो अभी तो ये समझ ली कि आपने एक जैसे वो हवाई नहीं चलाई। हाँ। है, लेकिन उस हवाई को हमने प्रोग्राम किया कि उसको एक खास जगह पे जाना है, यूं जाके वापस नहीं आ जाना, उसके कुछ हिस्से समुद्र में गिर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर जगह पे हमें लेके जाना है पहले, वहां से वो आगे बढ़ेगा। तो ये शुरुआत है, ये बिल्कुल। तो देखिए ये बड़ी खबर इस समय की मैं बता दूं, 2 चरण सफल हो चुके हैं, दूसरा चरण सफल रहा है इस लॉन्चिंग का, और जैसा कि लगातार हमारे वैज्ञानिक स्टूडियो में बैठे जानकारी दे रहे हैं कि 16 मिनट का लगभग ये वक्त लगता है, लेकिन इसरो ने ये बड़ी जानकारी शेयर की है देश के साथ, और आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है और दूसरा चरण जो है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, तीसरा चरण इस समय चल रहा है। सचिन भामा जी, अब ये तीसरा चरण लगभग कितना लंबा होगा? करीब 4.5 मिनट का ये भी चरण होगा, करीब 10 मिनट पे काम हो जाएगा, और अब एक महत्वपूर्ण काम होना है इसकी, जो पेलोड फेयरिंग या जिसको हीट शील्ड कहते हैं, या जो कवर हमने देखा था ऊपर नोक, जिसके अंदर आदित्य था, उसके बाहर के जो कवर थे वो हट जाएंगे। अच्छा। अब जब वो हट जाते हैं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि आप समझे उसके अंदर भी ऐसे धमाका करा जाएगा ताकि वो दोनों कवर हटे। तो मैं ऐसे बोलूं तो फ्लाइट बिल्कुल ठीक जा रही है, अब आदित्य को एक्सपोज करने का जो काम है। मैं मेरे साथ प्रणय उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, श्री हरिकोटा से जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आग का गोला आगे बढ़ता हुआ, पीछे सफेद धुआं, हमारा आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बताइए क्या जानकारी आपके पास है इस समय? देखिए यहाँ पर जो मिशन मॉनिटर्स लगे हुए हैं वो लगातार ट्रैक कर रहे हैं, आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो चुका है, लैंडिंग के वक्त लगातार मिशन कंट्रोल हुए कि क्या अभी तक, क्योंकि 1 घंटा 13 मिनट का वक्त लगेगा इसे, जब ये धरती की कक्षा के अंदर आदित्य L1 को स्थापित किया जाना है, और उसके बाद वहां से ये आगे का सफर तय करेगा, क्योंकि उसके बाद उसके अर्थबाउंड मनोवर्स होंगे। तो 1 घंटा 3 मिनट के वक्त के बाद आदित्य जो कि जो सोलर मिशन है वो इस प्रोपेलर से अलग हो जाएगा, और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद में ये जो है ये आगे बढ़ेगा, और उसके बाद ये जो स्थापित हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग इसके चरण है, यानी सबसे पहले रॉकेट अलग होते हैं, उसके बाद जो इसका कवरिंग है जिसे कहा जाता है हीट शील्ड, वो हीट शील्ड अलग होगी, और उसके अंदर से वो आदित्य मिशन जिसे धरती की कक्षा से निकालकर फिर सूर्य की कक्षा में पहुंचाना है वो बाहर होगा, और लगातार इसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से आप देख रही हैं तमाम आंकड़े जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से ये अपने फिलहाल रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर जो इसकी वेलोसिटी है वो ट्रैक की जा रही है, इसके अलावा जो फ्लाइट पाथ है इसका फ्लाइट पाथ किस तरीके से बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि PSLV-C57 वो रॉकेट जिसकी ट्रेजेक्ट्री को आप देखिए कि ये जो रेड लाइन है जिसको इंटेंडेड पाथ माना जा रहा था, समय 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस समय वो नजर आ रही है, और करीब 2209 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ये पहुंच चुका है। तो इतनी तेजी से आप अंदाजा लगाइए कि इसका जो अधिकतम कहा जाए इसकी रफ्तार होगी तो करीब 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक इसे आगे जाना है इस पूरे मिशन के दौरान। तो ये मिशन इंसर्शन लगातार मॉनिटर उसे ट्रैक करते हुए और उसके जो तमाम पैरामीटर्स हैं, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये लाल लकीर धीरे धीरे हरी होती जा रही है, यानी चिंता की लाल लकीर जो है वो सुकून की हरी लकीर के अंदर बदलती चली जा रही है, क्योंकि अभी तक आदित्य L1 अपने निर्धारित रास्ते के ऊपर है, और करीब करीब 551 सेकंड से ज्यादा का वक्त इसको हो चुका है, और लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो पैरामीटर्स हैं वो भी साफ नजर आ रहे हैं, 6 मिनट और 29 सेकंड का वक्त इसके लॉन्च को हो चुका है, और लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा है। Z News.